नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डॉक्टर डी चैनल के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं ACP गाइडलाइंस की, यानी कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, जो कि फाइनलाइज करती है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कितनी रेंज में होना चाहिए, आपका डायबिटीज़ का काउंटिंग कितने लेवल पे होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको फाइनलाइज की जाती है। तो उन लोगों ने पिछले कुछ टाइम से पहले गाइडलाइन इश्यू की थी, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वो हमारे सामने पेश की ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये गाइडलाइंस अगर हमारे पास आ गई तो क्या होगा कि उनकी जो भी मेडिसिन बिक रही थी वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी, क्योंकि उनके अनुसार जो भी हम डायबिटीज़ है या फिर हम कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो भी ब्लड प्रेशर के रेंज में आते हो ACP गाइडलाइंस के अनुसार, हम वो आधे से ज़्यादा वहाँ से निकल जाएंगे। यानी कि 50% जो भी हम अभी सपोज़ के आप डायबिटीज़ के अंदर आते हो, रेंज के अंदर आते हो, या फिर आप ब्लड प्रेशर की रेंज के अंदर आते हो, तो अगर ACP गाइडलाइंस के अनुसार आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर 50% से ज़्यादा जो भी लोग हो उनके दायरे से हट जाएंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर विश्वरूप रॉय, जो कि एक जाने माने बहुत ही अच्छे बड़े डॉक्टर है और उन्होंने PhD की है डायबिटीज़ रिवर्स के ऊपर। यानी कि उनका ये मानना है कि डायबिटीज़ को आप रिवर्स कर सकते हो, यानी कि डायबिटीज़ को पूरी तरह से आप अपनी ज़िंदगी भर कंट्रोल में रख सकते हो। तो वहाँ पर उन्होंने PhD की है और 20,000 से ऊपर जो भी पेशेंट है उन्होंने ट्रीट किए हैं, और उनका ये दावा है कि अगर आप ACP गाइडलाइन को फॉलो करोगे, और आगे वो आपको 3 प्रोटोकॉल ऐसे बताएंगे, 3 ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि आपको करनी है आपकी लाइफ के अंदर, आपके दिन के अंदर, और उसके अनुसार आपका जो मेडिसिन का इनटेक है वो धीरे धीरे आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। सपोज़ कि आप डॉक्टर के पास गए थे और आपको डायबिटीज़ कैसे चेक किया और डॉक्टर ने बोला कि आप डायबिटीज़ की दवा स्टार्ट कर लो, आपको कुछ ऐसा मेजर इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी आपने आपके डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि डायबिटीज़ की दवा स्टार्ट कर दो। ऐसा भी होता है कि जब प्रेशर की दवा ले रहे हो तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दवा, कभी ऐसा भी होता है कि किसी और दवा के साथ आपको एसिडिटी की दवा ऐसे दे। तो ऐसा ही होता है कि कोलेस्ट्रॉल प्रेशर हो, हमारे पास ऐसा कुछ मेजर इश्यू नहीं होता, लेकिन फिर भी डॉक्टर एज ए प्रिकॉशन आपको लिख देते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में आप या फिर ऐसे रेंज में आप आते हो जहाँ पर आपको बॉर्डर लाइन के ऊपर आपका प्रेशर है, आपकी डायबिटीज़ है और कुछ लिमिट के ऊपर ही आपका जो नंबर आता है वो है, तो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली मेरा यकीन है कि आपकी वो जो दवाई है वो धीरे धीरे बंद हो सकती है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय का जो वीडियो है, जो वहाँ पर उन्होंने 3 चीज़ें बताई, 3 प्रोटोकॉल जिसे बताए, जो कि आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो दवाई है वो मेडिसिन है आपकी धीरे धीरे बंद हो सकती है, स्पेशली डायबिटीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और आपके ब्लड प्रेशर जो कि मेजर इश्यू है आज के दिन के लिए। क्योंकि अगर पूरी दुनिया के अंदर जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट जितने इंडिया में है उतना कहीं पर भी नहीं है, तो अगर देखा जाए तो इंडिया एक बड़ा सा हब है डायबिटीज़ का, या फिर बोला जाए तो एक कैपिटल है हमारे डायबिटीज़ का। तो उसको अगर बंद करना है, उसको निजात करना है, तो ये आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, ताकि वहाँ से जो 50% लोग हैं वो डायबिटीज़ के रेंज से हट जाएंगे। तो क्या है, हम धीरे धीरे हेल्दी बनने में हमारा योगदान जारी रहेगा। तो आइए देखते हैं डॉक्टर विश्वरूप का ये वीडियो, और उसके अनुसार वो गाइडलाइन को आप फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको काम आएगा आपकी दवाई को बंद करने के लिए। अगर आप डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा पे हैं तो अगला 5 मिनट का वीडियो ही काफ़ी होगा आप में से 70% लोगों का दवा से पूरी तरह पीछे छुड़ाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ न्यू डायबिटीज़ गाइडलाइन का, ACP गाइडलाइंस, जो कि पिछले साल 6 मार्च 2018 में रिलीज़ हुआ था। इसको लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन शायद अभी तक आपको इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि पिछले 10 सालों में देश में 30 से ज़्यादा मेडिकल स्ट्राइक कराने का महारत हासिल कर चुकी है, ने डिसाइड किया कि ये नया गाइडलाइन पेशेंट तक ना पहुँचे। शायद इसलिए क्योंकि इस गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि पेशेंट को ये बताना कि बरसों से जो दवाइयों पे वो हैं उस दवाइयों को या तो ड्रास्टिकली रिड्यूस करें या पूरी तरह से बंद कर दें। दरअसल पिछले 40 सालों में कई सारे इंपॉर्टेंट मेडिकल ट्रायल्स हुए हैं, जैसे एडवांस ट्रायल, UKPDS ट्रायल, VADT ट्रायल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एकॉर्ड ट्रायल। इन सारे ट्रायल्स का नतीजा यही है कि ब्लड शुगर को घटाने के लिए दवा अगर लेते हैं तो ब्लड शुगर तो घटता है, बट द कॉस्ट ऑफ
इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ डेथ बाय 22%, आपके मौत के चांसेस को 22% बढ़ाते हैं जब आप डायबिटीज़ की दवा लेके ब्लड शुगर घटाते हैं। इसीलिए नया डायबिटीज़ गाइडलाइन ये कंक्लूड करता है, मोर डायबिटीज़ मेडिसिन मीन्स लेस ब्लड शुगर बट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक एंड मोर डेथ। आप इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड के डायबिटीज एजुकेटर को कॉन्टैक्ट करके फ्री डायबिटीज़ गाइडलाइन हिंदी या इंग्लिश में विथ प्लेन समरी मंगा सकते हैं। अब बारी है इस नए डायबिटीज़ गाइडलाइन को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। इसके लिए आपको फॉलो करना है 3-step protocol। स्टेप 1, 3 days एलिमिनेशन राउंड, यानी कि अगले 3 दिन तक डायबिटीज़ की दवा, हाइपरटेंशन की दवा और कोलेस्ट्रॉल की दवा को बंद करना। स्टेप 2, डायग्नोस्टिक चैलेंज, लाइफलाइन नंबर 250। 3 दिन तक ब्लड शुगर की दवा को बंद करने के बाद लंच के 2 घंटे बाद अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए। अगर आंकड़ा 250 से नीचे आता है इसका मतलब आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं, ना ही आपको डायबिटीज़ की दवा की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। 3 दिन के ब्लड प्रेशर की दवा को बंद करने के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। अगर सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक दोनों को जोड़ने के बाद आंकड़ा 250 से ज़्यादा नहीं आता है, 250 के अंदर है, इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर सेफ रेंज में है और आपको ब्लड प्रेशर की दवा की आवश्यकता नहीं है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो कई सारे टर्म्स हैं इसके, LDL, HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन सबको छोड़िए, सिर्फ एक बात याद रखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल। 3 दिन दवा छोड़ने के बाद कोलेस्ट्रॉल चेक कीजिए, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 से नीचे है यानी कि आपको कोलेस्ट्रॉल की दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा 20,000 पेशेंट के साथ अनुभव ये कहता है कि 70% पेशेंट जो इस वक्त दवा ले रहे हैं, इन रियलिटी उनको दवा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दवा लेके वो अपने आप को और बीमार कर रहे हैं। सिर्फ 28% पेशेंट ऐसे हैं जिनको दवा की थोड़ी बहुत ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि उनका ब्लड शुगर 250 से ऊपर है लेकिन 300 के अंदर, यानी कि उनका ब्लड शुगर, उनका ब्लड प्रेशर, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल सेफ रेंज से थोड़ा ऊपर है। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी और हो सकती है, दैट इज़ डाइट मॉडिफिकेशन। और यहाँ आता है द थर्ड स्टेप, 72 आवर्स डाइट मॉडिफिकेशन। आप हमारे डायबिटीज एजुकेटर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके लाइफस्टाइल, आपकी एज, आपकी वेट, आपकी हाइट और आपके मेडिकल कंडीशन के हिसाब से वो आपको फ्री में एक कस्टमाइज डाइट प्लान डिज़ाइन करके देंगे। और इस डाइट प्लान को अगर आप 72 आवर्स तक फॉलो करते हैं तो विद इन 72 आवर्स आपके आंकड़ों को सेफ रेंज में लाया जा सकता है। लेकिन सेफ रेंज में आने के बाद इस डाइट को छोड़ना नहीं है, इसे लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है, बिकॉज ये डाइट सिर्फ आपके लिए फूड नहीं है, ये एक मेडिसिन के रूप में भी आपके लिए काम करेगा, आपको बीमारियों से बचाएगा। सिर्फ 2% पेशेंट ऐसे होंगे जिनके आंकड़े 300 से ऊपर होंगे, ब्लड प्रेशर के, ब्लड शुगर के और कोलेस्ट्रॉल के। दे आर द पेशेंट इन ट्रू सेंस, दे आर द वन जो कि मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं, ये वो हैं जिनको दवाइयों के सही मायने में ज़रूरत है, लेकिन परमानेंटली नहीं, फॉर ए शॉर्ट पीरियड। अगर आप उन 2% पेशेंट में से हैं तो आप इस वक्त डायबिटीज 72 ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डायबिटीज एजुकेटर की मदद से मुझसे जुड़ सकते हैं, सो दैट आई मे हेल्प यू टू फ्री योरसेल्फ ऑफ 3 डीज, ड्रग्स, डिजीजेस एंड डॉक्टर्स, बिकॉज यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन to reclaim your health. This is Dr. Vishwarup Roy Chaudhary. All the best. Jai Hind. Thank you. तो देखा दोस्तों आपने कि इस वीडियो के अनुसार आपको क्या क्या करना है, किस तरह से 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है कि एक तो मेडिसिन इंटेक को बंद कर देना है, फिर आपको डाइट फॉलो करना है और किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करना है। अगर ये 3 चीज़ आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है और आपकी दवाई जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से आप मैनेज करके उसको बंद कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर विश्वरूप का एक दावा है कि आप डायबिटीज़ को, कोलेस्ट्रॉल को बिना दवाई अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कीजिए और जो भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप अपने नीचे कॉमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगा। Thank you.